उदाहरण 17। एक नाव नदी की धारा के बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर तथा बहाव की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। यदि नाव धारा के बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर तथा बहाव की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में तय करती है। धारा के बहाव की दिशा एवं विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। हल। माना धारा के बहाव की दिशा में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर जी x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। अब हमारे पास दूरी जो है वो दी है 44 और चाल जो है हमारी x किलोमीटर है, तो 44 बटा x घंटे जो है बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने पर लगा समय दूरी 44 दिया है और चाल जो है हमने x किलोमीटर प्रति घंटा धारा के बहाव की दिशा में माना है, तो 44 बटा x घंटे आ गया हमारे पास। बहाव की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर 30 किलोमीटर है हमारी दूरी और बटा समय हमारा
बहाव के विपरीत दिशा में हमने इसको माना था वाई, तो 30 बटा वाई घंटे। इसीलिए प्रश्न अनुसार धारा के बहाव की दिशा में दिशा व उसके विपरीत दिशा दिशा में दूरी तय करने पर करने में लगा समय बराबर 10 घंटे। इसीलिए 44 बटा एक्स, ये पहली स्थिति जो बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने पे लगा समय 44 बटा एक्स घंटे। उसी तरह से बहाव के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने पर लगा समय 30 बटा वाई है, तो 30 बटा वाई बराबर 10। इसे हम समीकरण एक मानेंगे। आगे देखते हैं, चूंकि बहाव की दिशा में पचपन किलोमीटर तथा विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर 13 घंटे। इसीलिए 55 बटा एक्स धन 40 बटा वाई बराबर 13। इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 में 1 बटा एक्स बराबर हम मानेंगे u, और 1 बटा एक्स के स्थान पर हम u लेंगे और 1 बटा वाई के स्थान पर हम v रखने पर हमें दो समीकरण तीन व चार मिलते हैं।
अब समीकरण एक में एक बटा एक्स के स्थान पर हम यू रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 44 यू धन 30 वी, एक बटा वाई के स्थान पर हमने वी रखा तो 30 वी बराबर 10। अब यहाँ पे 44 यू धन 30 वी में हम दो का उभयनिष्ठ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22 यू धन 15 वी बराबर, जो उभयनिष्ठ हमारा दो निकला उसको हम दो से भाग करेंगे पक्षांतर करने पर तो हमें 5 प्राप्त होगा। तो 22 यू धन 15 वी बराबर 5, इसे हम समीकरण 3 लेंगे। तथा समीकरण 2 में एक बटा एक्स के स्थान पर यू रखने पर हमें प्राप्त होगा 55 यू धन 40 बटा वाई में एक बटा वाई के स्थान पर वी रखने पर हमें प्राप्त होगा 40 वी बराबर 13, इसे हम समीकरण 4 नाम देंगे। समीकरण 3 में समीकरण 3 में 55, यहां समीकरण 4 में यू का गुणांक 55 है तो समीकरण 3 में 55 व समीकरण 4 में समीकरण 3 का गुणांक 22 से गुणा करने पर समीकरण 3 में हम यहां 55 व यहां पे 55 से गुणा करेंगे समीकरण 3 में दाएं और बाएं पक्ष में व समीकरण 4 में, समीकरण 4 में दोनों पक्षों में हम समीकरण 3 का जो u का गुणांक 22 है उससे गुणा करेंगे तो 4 में 22 का गुणा करके घटाने पर देखिए क्या घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा समीकरण 3 में हम दोनों पक्षों में जब 55 से गुणा करेंगे क्योंकि u का गुणांक 55 है तो दो समीकरण 3 में 55 का गुणांक हम करेंगे तो 55 को जब हम 22 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1210 u धन 55 को 15 से गुणा करेंगे तो 825 v बराबर, 55 को जब हम गुणा करेंगे 5 से तो हमें प्राप्त होगा 275। उसी तरह से समीकरण 4 पर दोनों पक्षों में जब हम 22 का गुणा करेंगे जो कि समीकरण 3 के u का गुणांक है तो 22 से गुणा करने पर पुनः हमें 1210 u प्राप्त होगा धन 22 को 40 से गुणा करेंगे तो हमें 880 v प्राप्त होगा। और उसी तरह से जब हम इसको 22 से गुणा करेंगे 13 को तो हमें 286 प्राप्त होगा। अब इसे घटाना है हमें तो घटाने के लिए हम चिन्ह का विपरीत चिन्ह लगाते हैं, धन का ऋण फिर धन का ऋण और धन की जगह ऋण तो 1210 यू ऋण 1210 यू ये आपका शून्य प्राप्त होगा और 825 वी में से ऋण 880 वी को हम घटाएंगे तो हमें ऋण 55 वी बराबर 275 ऋण 286 बराबर ऋण 11 प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, हमने प्राप्त किया था ऋण 55 वी बराबर ऋण 11 या v बराबर ऋण 55 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 11 बटा ऋण 55 या v बराबर अंश और हर में ऋण 1 से जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11 बटा 55 और 11 को और 55 को हम जब 11 एकम 11 काटेंगे और 11 पंचे 55 तो हमें प्राप्त होगा 1 बटा
5। इसीलिए y का मान, क्योंकि y का मान था जो था वो 1/v था, तो y का मान, इसीलिए y का मान 5 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो ये y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। अब v का मान, v का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए हमारे पास समीकरण में हम 22u रखे, धन हमारे पास क्या था 5v, 15 22u धन 15v बराबर 5 था हमारे पास, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 22u धन 15 और v के स्थान पे 1/5 बराबर 5, या 22u धन 5 × 5 5 दिया 15, तो धन 3 बराबर 5, या 22u बराबर धन 3 का पक्षांतर करेंगे तो -3, तो 5 − 3 बराबर 2, या u बराबर 2/22, और 2 और 22 को 2 से हम काटेंगे, 2 × 2 = 2, 2 × 11, या 2 × 2 = 2, तो हमें प्राप्त होगा 1/11। तो इस तरह से x का मान हमें प्राप्त हुआ, इसका क्योंकि हमने 1/u को x माना था, तो x का मान जो है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा x = 11, इसीलिए हमें प्राप्त होता है x = 11। तो इस तरह से हमने निकाला x = 11 और y = 5। तो अतः धारा के बहाव की दिशा में नाव की चाल बराबर, हमने x किलोमीटर प्रति घंटा माना था, तो ये हो जाएगा चाल बराबर धारा के बहाव की दिशा में नाव की चाल बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा, एवं धारा के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर 5 किलोमीटर, y का मान क्योंकि हमने 5 निकला है और हमने धारा के बहाव में विपरीत दिशा में नाव की चाल जो है वो माना था y किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्योंकि y का मान 5 निकला है तो बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से यह इस प्रश्न का हल है। सोचें व चर्चा करें। दिए गए समीकरण निकाय 2x + 5y = 1, 2x + 3y = 3 को विभिन्न समूहों में बंटकर अलग अलग विधियों से हल करें। प्राप्त मानों पर चर्चा करें कि क्या प्रत्येक विधि से प्राप्त मान समान हैं।